मिस्टी और अंशी का मस्ती। हाय मिस्टी करो, अंशी हाय करो। यहाँ देखिए मेरा गार्डन है, मेरा गार्डन है। अभी ये देखिए कितना अच्छा रोज है, कितना सुंदर है। अभी खिला नहीं है। यहाँ देखिए कितना बड़ा रोज है। और ये देखिए यहाँ भी रोज है। वहां देखिए दीदी है खड़ी, वो आपको बताएगी आज ये इडली बनाने वाली है, तो उसके बारे में बताइए क्या क्या तोड़ रही हूँ आज क्या कर रही हो। कड़ी पत्ता तोड़ रही हूँ। मुझे इडली बनाना है। इडली में डाला जाता ये है, देखिए इडली करी से पत्ता छौंका है। मारते हैं। इडली का देखिए कड़ी पत्ता तोड़ रही है इडली में डालने के लिए। इडली का वीडियो आएगा, आपको दिखाएंगे इडली का वीडियो कि कैसे कैसे बनता है। वो दीदी बनाती है इडली, क्योंकि मुझे आता नहीं है इडली बनाने, तो वही बनाती है, तो मैं दिखाऊंगी। हे फैमिली, अभी हम लोग इडली बना रहे हैं। जो कभी तभी जो कड़ी पत्ता दीदी तोड़ रही थी, तो इसी के लिए इडली बना रही है। ये हमारा इडली स्टेन है। अभी इसमें पानी गर्म हो रहा है, अभी थोड़ा डालिए पानी गर्म करने के लिए। तो ये पानी गर्म हो रहा है इसमें। और ये अभी सांभर है ना, इसका बनाएगी। मसूर दाल है सांभर के लिए, देख सकते हैं। मसूर दाल है सांभर के लिए। इसमें क्या ऐड कर रही है? दाल डाल रही है सांभर के लिए। ये कद्दू कद्दू डालेगी ना, कद्दू डालेगी। और ये बैगन सांभर के लिए कद्दू, छोटा छोटा। मतलब छोटा छोटा काटी है, छोटा छोटा स्लाइस गया था। और बैगन कट रहा है, बैगन भी कट गया है। कद्दू बैगन को दाल में मिक्स कर देगी, उसके बाद उसमें मसाला सब डालेगी। क्या क्या इसका मसाला पड़ता है सब डालेगी। वन बाय वन दिखाते हैं हम आपको मसाला। देख सकते हैं आप मेरा किचन कितना अभी गंदा है, क्योंकि मेरे घर में अभी मेड नहीं आ रही है 2 दिन से, तो पूरा किचन फैला हुआ है। अभी हम लोग इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि 2 दिन 3 से आ नहीं रही है, तो अभी हम लोग क्लीन करेंगे। ये क्या है दी? ये बैटर है इडली का, इडली का बैटर है। देखो इसको, रुको आराम से। चावल है और इसमें बनाया गया है उड़ीद। और इसमें क्या क्या डाली है? चावल और उड़द। चावल और उड़द बस ना। इसको थोड़ा सा ये करो तो दिखाए इसका बैटर। देखिए इसका बैटर कैसा है। थोड़ा सा थिक है ना, ज्यादा लिक्विडी है और ना ज्यादा गहरा है, मीडियम है। अब इसको इडली स्टेन में सजाएगी। देख सकते हैं आप लोग, इसका घोल पूरे अच्छी तरीके से फनक गया है। जब फनक जाते हैं अच्छी तरीके से, तो पूरा स्पंजी इडली होती है, बहुत सॉफ्ट इडली बनता है इससे, पूरा फनक जाता है। तो हम लोग इसे कल ही भिंगो के रख दिए थे, और मॉर्निंग में इसे दीदी पीस ली, और अभी दोपहर तक रात तक ये पूरा फनक गया है। देख सकते हैं हम लोग इडली सांचा में इसको पूरा इडली स्टेन में भर देंगे। पानी पूरे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं, ये जो जल्दी पक जाएंगे पानी बॉयल हो गए। तो ये देखिए दूसरा सांचा कितने अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हैं। सांचा में ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका बैटर है एकदम। और ये ना कितने मिनट तक रहता है दी? 30 मिनट के बाद इसे हम लोग खोलेंगे, और 30 मिनट के बाद खोल के देखेंगे इसका। देखिएगा इसका बेस इतना अच्छा बन जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा इडली। इतना अच्छा इडली सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा ना एकदम। अब तो हम 30 मिनट के बाद दिखाएंगे। देखिए तीसरा सांचा, अब इसे ढक दिया जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, कहीं से एयर ना निकले। देखिए पूरे चारों तरफ से पूरा ढक दिया है, और इसको हम 30 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। अब सांबर की तैयारी चल रही है। सांबर में अभी बैगन और कद्दू और दाल मिक्स हो गए हैं, अब इसमें मसाला डालेगी। ये देखिए हमारा फाइनल टच, सारे चीज कंप्लीट है। ये इडली सांबर चटनी, ये देखिए हमारे फाइनल टच है ये।
हे गाइस, देख सकते हैं दीदी इडली और सांबर खा रही है। कैसा लगा दीदी इडली सांबर? एक नंबर, एक नंबर है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है इडली सांबर। ये देख सकते हैं आप लोग, इडली सांबर चटनी पूरा मजा ले लेके खा रही है, एकदम चटकारा मार मार के। सांबर खाओ सांबर, तब स्पून डाल के खाएगी सांबर।